उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। कहाँ चला गया वो? अरे मुझे क्या पता, वो तो बस आया, अपना सामान लिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ के चला गया, चला गया हमें छोड़ के। By the way, मेरा नाम कैफ, कैफ शराजी, I'm from London। मुझे आप में या इन होने वाले तफाकात में कोई इंटरेस्ट नहीं। दुनिया में बहुत से गम, मेरे लिए वही काफी। देखें साहिर, अगर तो आप पछता रहे हैं तो आप खालू जान से जाकर माफी मांग लें, कम से कम आपके सीने पर कोई बोझ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा ने हमेशा मेरे साथ सोते थे जैसे सभी थे। बेटा ये सब किसके लिए? आपके लिए नहरा, आपकी शॉपिंग की है, ये देखें। ड्रेस कोड लेकर आया हूँ, कितना जबरदस्त। ठीक है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी, मुझे पसंद आ गई तो मैंने ले लिया अपने डैड के लिए। अच्छा, लग तो नहीं रहा है कि तुमने सब कुछ खरीदा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बेटा तुम कलर ब्लाइंड हो, कलर ब्लाइंड। ये काम तो किसी समझदार आदमी का लगता है। अब ये देखो ना, इसका मटेरियल, कलर और डिजाइनिंग, हर चीज का ख्याल रखा है उसने। तुम नहीं हो सकते। सर आपने सही गैस किया, ये मैंने नहीं बल्कि आपकी होने वाली बहू ने पिक किया है। तो तुमने शादी भी कर ली? अभी तक तो नहीं, लेकिन हम लगता है कि हो जाएगी। जैसा करो शुरू से। किरात, कहाँ हो? जी भाई, खैरियत? एक बहुत जरूरी अमानत तुम्हें देनी थी मुझे। कौन सी अमानत? ये घर की चाबी। लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना मेरा। और वैसे भी अब मैं जा रहा हूं, अगर कभी तुम्हारा दिल करे बिला झिझक यहाँ पर आ जाना। शुक्रिया भाई। शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, समझी तुम? भाई मुझे जाने दो, मैं वहां सेट हो जाऊं, तुम्हें और साहिर को वहां बुला लो। कुछ दिन हमारे साथ रहना, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, खूब हंगामा करेंगे, ठीक है? जी। खुश रहा कर। अल्लाह कभी अपने बंदों को उनकी हिम्मत और ताकत से बढ़कर नहीं आजमाता, तुम्हें भी नहीं आजमाएगा इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आप नहीं खा रही? नहीं, मुझे भूख नहीं है।
भूख नहीं लग रही तभी कुछ खा लीजिए, खाली पेट नहीं रहते, वरना ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, शुगर भी डाउन हो जाएगी। आप बेफिक्र रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। अब खाला जान कैसी बातें कर रही हैं आप, खालू जान ठीक कह रहे हैं, आप कुछ खा लें वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मेरा बेटा ना जाने कहां दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा। मेरी ममता इतनी खुदगर्ज नहीं है कि मैं बैठ के यहाँ नाश्ते करूं। आपके बेटे को अगर आपकी बात की परवाह होती तो आपके कहने पर वो रुक जाता। मेरी परवाह वो कैसे करता? आपने तो धमकी दी थी कि आप मुझे भी घर से निकाल देंगे। खाला जान, वो शाम में अलीना उस्मान की फ्लाइट है, आप में से किसी को मेरे साथ चलना हो तो चलिए। जी खालू जान, वो आज अनाया की भी फ्लाइट है, मैं तो वहां जाऊंगी, आप चाहे तो इंशाल को अपने साथ ले जाएं। नहीं दादो, मैं भी ना फुप्पो से तो मिल चुकी हूँ, मैं आनी से मिलने के लिए जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। बेटा जरा मुझे दीजिएगा। साहिर, साहिर, चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ अभी? मामू जान, मेरे ख्याल से बस 5 मिनट में शुरू होने वाली हो। बाबा जान, खिरद कहाँ है? अरे भी यही तो थी। अरे खिरद तुम कहाँ थी? आओ ना, हमारे पास जाने का टाइम हो रहा है। बेटा इनका वक्त हो रहा है चलने का, जल्दी से मिल लो बस, खुदा हाफिज करो। अरे पगली रो क्यों रही हो? मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए आता जाता रहूंगा। अरे बेटा अब बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, चलिए आप, चलिए देर हो जाएगी वरना। आप भी अपना ख्याल रखिए, जाइए। ओके मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जब फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। चलो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, देर हो जाएगी। शाबाश। खिरद बेटा, वो लोग जा चुके हैं, आ जाओ मेरे साथ, चलो। मामू जान, मैंने साहिर को देखा है अभी अभी। साहिर को यहाँ? तो वो यहाँ क्यों आएगा? हाँ, मैं उनके पीछे पीछे गई, मैंने उनको आवाज दी, वो मुझे इग्नोर करके निकल गए। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा है अभी। अच्छा तुम आओ तो मेरे साथ, चलो घर चलो। एक दो दिन में मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फोन करने का, थैंक यू। मामू जान, वो साहिर ही थे। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, मैं सच कह रही हूँ, वो साहिर ही थे। मैं तुम्हें झुठला नहीं रहा हूँ बेटा, मैं ये सिर्फ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कौन सा ऐसा दोस्त है जो पाकिस्तान आया होगा, जिससे वो मिलने आया था या उसको लेने आया था। लेकिन मामू जान, मैंने खुद साहिर को डिपार्चर लॉन्च में जाते हुए देखा है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। जी वालेकुम सलाम, आप साहिर के वालिद बात कर रहे हैं? जी साहिर मेरा बेटा है। क्या आप थाने तशरीफ ला सकते हैं? थाने क्यों भाई, खैरियत? उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेड बॉडी हमारे पास पड़ी है। डेड बॉडी? क्या हो रहा है?
किस बात की उदासी है? मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ा सा परेशान। क्या हो डैड, आप मुझसे भी नहीं शेयर करेंगे क्या? तुमसे शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, क्योंकि बात तुमसे मुताल्लिक है। डैड आप मुझे डरा रहे हैं, प्लीज बताएं क्या हुआ। नहीं, वो हुसैन चाहता है कि मनाहिल और तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया जाए। व्हाट, मेरा और मनाहिल का? बेटा इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, वो मेरी भतीजी है। आपसे हुसैन अंकल ने ये बात खुद की है? इशारे कनाइयों में, लेकिन उनका अंदाज जतलाने वाला था कि मनाहिल के तो बड़े रिश्ते आ रहे हैं। डैड मैं कुछ समझा नहीं, आपने कभी मेरे और मनाहिल के हवाले से उनसे कभी कोई बात की? ये पाकिस्तान है कैफ, यहाँ पर भाई के बच्चों पर हक जतलाया जा सकता है पूरे वसूख से, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन डैड आप जानते हैं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जानता हूँ बेटा, इसीलिए तो चाहता हूँ कि तुम मनाहिल से बात करो, मेरे पास इनकार की गुंजाइश नहीं है। हाँ अलबत्ता मनाहिल इस सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर सके। तो इसका मतलब है कि आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे, है ना? तुम मुझे उस लड़की का एड्रेस दो, मैं जाकर उसका रिश्ता मांगता हूँ, यही मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे। और मनाहिल? मनाहिल को तुम खुद हैंडल करो। न जाने किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को, कहां से ढूंढ के लाऊं उसे। खाला जान हौसला कीजिए, साहिर को कुछ नहीं होगा, बस आप उसके लिए दुआ कीजिए। नहीं बेटा, जब तक मैं अपने बच्चे की सूरत नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा कुछ भी करो, मेरे बच्चे को कहीं से ले आओ। अरे आपा बस कर जाए, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी खबर आएगी, भाई साहब गए तो हैं पता करने। बस आपा आप हौसला ना हारे, दुआ करें। नहीं शैला, ऐसी खबरें झूठी नहीं हुआ करती। वो जो मोबाइल मिला है वो भी तो मेरे बच्चे ही का है। जिस दिन से ये लड़की इस घर में आई है मेरे बच्चे को एक दिन चैन का नसीब नहीं हुआ। निकल दो उसको यहाँ से। खालाजान छोड़ दीजिए, खालाजान छोड़ दीजिए, आइए बैठिए। खालाजान बस बस कीजिए, थोड़ा सबर कर लीजिए। चांदनी इसको बता दो, इसको बता दो, मैं इसको जान से मार दूंगी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ। घर से निकाल दूंगी इसको, यहाँ रहने नहीं दूंगी मैं, मेरे बेटे को खा गई है ये। आप बस कर जाए, आप क्यों हलकान हो रही है? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा, कह दिया है ना मैंने, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, बस आप सबर करें। शफीक साहब आप जानते तो होंगे कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। जी फरमाइए। बेहतर होता आप किसी के साथ आ जाते, मेरा मतलब है यूं अकेले। मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, आप बताइए क्या करना है मुझको। हमें लाश के पास से दो मोबाइल मिले और एक वॉलेट। एक मोबाइल तो बुरी तरह कुचला गया है, उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं है, जबकि दूसरे मोबाइल से आपका नंबर मिला है। जी आरिफ मोबाइल लेके आओ। हुसैन चाहता है कि मनाहिल और तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया जाए। बेटा इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, वो मेरी भतीजी है,
इसीलिए चाहता हूं कि तुम मनाइल से बात करो। मनाइल इस सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर सकेगी। हाँ, हेलो मनाइल। हाँ कैसी हो? हाँ बस सब ठीक है। अच्छा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कब मिल सकती हूँ? नहीं घर में नहीं, कहीं बाहर। अच्छा ठीक है। खैरत चाची पी लें, पानी पी लें, चीनी पी लो। मुझे मुझे साहिर को देखना है। हमारे चाचू कहाँ चले गए? बस करें, कितना रोएंगी। हम सब दुआ कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ बस रोए नहीं, ये लें पानी पी। मुझे नहीं पीना, मुझे मुझे साहिर को देखना है। वो आ जाएंगे, आप प्लीज रोए मत। इंशाल आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मामा चाची रो रही थी तो मैं उनको पानी पिला रही। इंशाल मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि इस औरत से दूर रहा करे। आज साहिर के साथ जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदारी खुद है। मामा दिस इज नॉट फेयर। आप जानती है ना कि साहिर चाचू? आप कुछ नहीं जानती इंशाल। साहिर आज इसकी वजह से घर छोड़ के गया और अल्लाह ना करे उसे कुछ। ऐसी बात करते हुए भी मुझे डर लग रहा है। मामा मैं अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना। हो सकता है कि वो कोई और हो, साहिर चाचू तो जिंदा हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि वो साहिर ना हो। और अगर साहिर को कुछ हुआ ना तो मैं इसकी जान अपने हाथों से लूंगी। फोन तो मेरी बेटी का है। आप लाश की तस्दीक कर लें। लाश की तस्दीक? मेरे साहिर की लाश की तस्दीक? जी आरिफ, शफीक साहब को ले जाओ लाश की तस्दीक के लिए। राइट सर। चले सर। बेटा भाईजान से कोई रابطہ हुआ कि नहीं? नहीं अम्मी, उन्होंने कहा था कि वो खुद कॉल कर लेंगे। मेरा ख्याल है उन्हें इस तरह अकेले भेजना मुनासिब नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नहीं होगा अम्मी उन्हें। अगर उन्हें साहिर की इतनी फिक्र होती तो आज साहिर इस तरह चोरी छुपे मुल्क छोड़ के ना जाता। फिर भी तुम्हें एक बार तो कॉल करनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। पहले आप ये बताएं कुछ खाएंगी? नहीं बेटा कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा। बेशक उनके जाने की दिल को तसल्ली है मगर अजीब अजीब से वहम हो रहे हैं मुझे। थोड़ा सा ही वक्त रह गया अम्मी, इंशाल्लाह वो जल्द पहुंच जाएंगे। और मैंने साहिर को ताकीद भी की थी कि पहुंचते ही मुझे फोन करते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जाके आपा के पास बैठती हूँ। वो रोई जा रही है, रोई जा रही है। एक तो खाला जान को भी ना बस मौका चाहिए होता। समझाया भी था उन्हें कि साहिर वापस जा चुका लेकिन वो मान ही नहीं रही। माँ है ना, इसीलिए वो दुखी हो रही है। अब मुझे देखो
सुनकर मैं परेशान हो गई। अब जब तक अनाया और साहिर का फोन नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं आया। मैं फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपा के पास जाकर बैठूंगी। उन्होंने मुझसे मेरी पसंद पूछी थी। और तुमने उन्हें क्या कहा? मैंने क्या कहना था डफर? ऑफ कोर्स मैंने यस बोला। बचपन से हमारा रिश्ता तय है और मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अरे अगर मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसको इस घर से निकाल दूं। इसी की वजह से मेरा बेटा दर बदर हुआ है। मेरा बेटा साहिर आपकी कंपनी में काम करता था। साहिर अली की बात कर रहे हैं ना? जी मैं साहिर अली की बात कर रहा हूँ। साहिर तो यहाँ से रिजाइन कर चुके। उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्दा